हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आई जाने खबर आपके काम की। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। 15 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 तक चलेगी समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीदी, जिसमें गेहूं, चना, सरसों तथा मसूर की खरीदी होगी। लगभग 110 लाख मीट्रिक टन फसलों की होगी खरीदी। जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। किसान भाइयों के लिए जरूरी सूचना है। 31 मई तक चलेगा पूरा उपार्जन। किसानों को SMS या अन्य सूचना के माध्यम से मिलेगी खरीदी केंद्रों पर फसल बेचने के लिए आने की सूचना, जिसमें इंदौर, भोपाल और उज्जैन जिले के शहरी क्षेत्रों का रबी उपार्जन नज़दीकी ग्रामीण खरीदी केंद्रों पर किया जाएगा। फसलों का रखरखाव पॉलीप्रोपिलीन बैग में किया जाएगा, जिसको हम PP बैग्स कहते हैं। सरकार ने उसके लिए ऑर्डर भी दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में रबी फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 15 अप्रैल से शुरू होगा। किसानों की सहायता के लिए अधिकाधिक खरीदी केंद्र खोलने के लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुलना संभावित है। इसके बाद 15 अप्रैल से प्रदेश में रबी उपार्जन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्य 31 मई तक चलेगा और इसे 31 मई तक समाप्त करना है। हमारे पास समय बहुत कम है और इस कम समय में ऐसी व्यवस्था करें कि पूरी फसल खरीद ली जाए, जिससे किसानों की गेहूं, चना, सरसों तथा मसूर फसलें समर्थन मूल्य पर सुगमता से खरीदी जा सके। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अधिक से अधिक खरीदी केंद्र खोले जाएं। इन केंद्रों पर आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अमले की सेवाएं भी ली जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन जिले के शहरी क्षेत्रों का रबी उपार्जन नज़दीकी ग्रामीण खरीदी केंद्र पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि यह जानकारी किसानों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच जाए। मिशन के रूप में खरीदी कार्य होगा। आप सभी जानते हैं देश अभी लॉकडाउन में है और इस लॉकडाउन के दौरान सभी की सहायता करना है, इसलिए सरकार भी खरीदी को युद्ध स्तर पर करवाना चाहती है ताकि किसानों को राहत मिल सके और उनके बैंक अकाउंट में फसलों का उचित मूल्य जा सके। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकट के चलते इस बार रबी उपार्जन कार्य को एक मिशन के रूप में किया जाना है। इससे जुड़ा शासकीय अमला, सहकारी समितियां, मजदूर, हम्माल आदि सभी पूरे सेवा भाव से समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य करेंगे। SMS मिलने पर ही आए किसान, ताकि खरीदी के दौरान किसी को दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खरीदी केंद्रों पर भीड़ न लगे, इस बात का इस बार विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि किसानों को SMS और अन्य सूचना के माध्यमों से बुलाया जाएगा। उन्हें किस दिन खरीदी केंद्र पर फसलें बेचने आना है, उस दिन उनको मैसेज कर दिया जाएगा। किसान उसी दिन अपनी फसल बेचने खरीदी केंद्र पर जाएं और सोशल डिस्टेंस जरूर बनाएं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस बार लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा 10 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जानी है। लगभग टोटल 110 लाख मीट्रिक टन फसलों का उपार्जन होगा प्रदेश में। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष परिवहन की बहुत समस्या आई थी। श्री चौहान ने इस बार परिवहन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन पुराने परिवहन कर्ताओं के रिकॉर्ड खराब हैं, उन्हें इस बार ट्रांसपोर्ट में न लगाया जाए ताकि परिवहन व्यवस्था में गड़बड़ी न हो। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि जूट के बोरों की अनुपलब्धता के कारण इस बार PP बैग में ही खरीदी का कार्य किया जाएगा। PP बैग मतलब पॉलीप्रोपिलीन बैग। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे पास 64 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लिए PP बैग उपलब्ध हैं। साइलो केंद्र में खरीदी क्षमता लगभग 9 लाख टन है। PP बैग्स खरीदी के आदेश जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश में 115 लाख मीट्रिक टन रबी फसलों की खरीदी के लिए PP बैग की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पूरी फसल को व्यवस्थित रूप से रखा जा सके। 4000 समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र बना रही है सरकार। श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि गत वर्ष प्रदेश में 3545 खरीदी केंद्र थे, जिन्हें बढ़ाकर इस वर्ष 3813 कर दिया गया है। इसके अलावा नए केंद्र भी बनाए जा रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। इस प्रकार से कुल खरीदी केंद्रों की संख्या लगभग 4000 तक हो जाएगी। तो आप सभी सहयोग करें और 110 लाख मीट्रिक टन रबी फसल का उपार्जन होगा प्रदेश में, और वह 15 अप्रैल से 31 मई तक चलेगा। SMS के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी, उसी दौरान आप जाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाएँ ताकि हम भी सरकार के साथ सरकार के काम में
सहयोग कर सकें। तो इस प्रकार से जानकारी थी। अभी मैंने देखा है किसानों से संबंधित जानकारी के लिए बहुत सारे चैनल आ चुके हैं, लेकिन मैं बहुत पहले से आप सभी को यह जानकारी दे रहा हूँ। कहावत है ओल्ड इज गोल्ड। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।